अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम हो। वैसे बेलगाम कॉर्पोरेशन हमेशा सुर्खियों में रहता है, कभी वार्ड रचना तो कभी कॉर्पोरेशन चुनाव, तो चुनाव के बाद मेयर का चुनाव करने को लेकर रिजर्वेशन वगैरह कुछ न कुछ तो रहता ही है। दरमियान में कन्नड़ परचम को गैर कानूनी तौर पर लहराने का भी मामला सरगर्मियों में रहा, जिस पर मराठी तंजीमों ने एतराज भी किया था। खैर, किसी न किसी तरीके से बेलगाम कॉर्पोरेशन सुर्खियों बटोरता रहता है। अरसे बाद चुनाव तो हुए, यानी कि कॉर्पोरेशन चुनाव तो हुए, लेकिन बेचारे कॉर्पोरेटर्स अब तक कॉर्पोरेशन में दाखिल न हो सके, इसके लिए भी मुख्तलिफ कहानियां सुनाई जाती। मेयर इलेक्शन अब तक क्यों नहीं और कॉर्पोरेटर की कैफियत ऐसी है, बेचारे अदालत का रुख करना भी चाहे तो डर है कहीं और कुछ साल हमें यूं ही बाहर न बिठा दिया जाए। बड़े जोर शोर से चुनाव के बाद गुलपोशियों का दौर भी जारी रहा, आखिर गुलदस्ते फूलमालाएं के फूल भी सूख गए। भाजपा इख्तदार में है और अपने हिसाब से काम करना चाहती है, जाहिर है इसके लिए कानूनी दायरे भी कभी कभी मायने नहीं रखते। दरमियान में कभी कभी हिंदू मुस्लिम कन्नड़ मराठी का तड़का भी दिया जाता है, पर जो बेलगाम शहरियों का अहम तरीन महकमा कहा जाए तो गलत ना होगा। लेकिन अब बेलगाम कॉर्पोरेशन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या बेलगाम कॉर्पोरेशन को रिश्वतखोरी की दीमक ने खोखला तो नहीं बना दिया? ऐसी चर्चा हवा में जारी है। अगर कचरे की गाड़ी से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों के परमिशन तक यहाँ सिर्फ पैसों का खेल चलने की बात कही जा रही है, कचरे की गाड़ी के जरिए शहर को साफ सुथरा रखने की कोशिश सराहनीय तो है ही, लेकिन यहाँ भी रिश्वत का दखल देखा जाता है। ठेकेदारों से लेकर सूखा और गीला कचरा जहाँ अलग अलग करने का ऐलान तो किया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि गीला और सूखा कचरा एक साथ ही भर दिया जाता है और शहर के दरमियान या बाजारों में छोटी गाड़ियों से बड़ी गाड़ियों में भी इसी तरह अलग अलग ना करते हुए भर दिया जाता है। अब कचरे को रिसाइकल करने के लिए जो इमदाद सरकार की जानिब से मिलती है, महज कुछ अफसरों की नजर ही हो जाती है। अब तो कई इलाकों में कचरे की गाड़ियां हफ्ते में 2-3 बार या कभी कभी तो हफ्ता भी नहीं आती, ऐसा आवाम का कहना है। जाहिर है रोजाना की तनख्वाह पर भी हाथ साफ किया जाता है, वैसे तो सरकारी मौकमा रिश्वतखोरी के अड्डे बनते जा रहे हैं, यह कोई अलग बात नहीं है। तभी तो भारत रिश्वतखोरी में 50वें नंबर पर पहुंच चुका है। पहले के मुकाबले में भारत रिश्वतखोरी में आगे ही बढ़ता दिखाई दे रहा है। पहले के मुकाबले में ज्यादा रिश्वतखोरी की बात भी कही जा रही है। 180 मुल्कों की फहरिस्त में भारत ने 85वां नंबर हासिल किया है। जाहिर बेलगाम कॉर्पोरेशन की तरह दिगर मुल्क के कॉर्पोरेशनों का भी इस नंबर 85 पर पहुंचने में इनका किरदार रहा है। बेनामी मिल्कियत कुछ सरकारी अफसरान किसी और के नाम दर्ज कर यानी कि खरीद कर रख लेते हैं, तो ऐसी मिल्कियतों पर भी कब्जा करने वाले साबिक और मौजूदा कुछ कॉर्पोरेशन अफसरान कॉर्पोरेटर की चहल पहल भी यहां पर अक्सर देखी जाती है। कुछ ने तो यहां अपना रोब इस कदर बिठा रखा है कि लगता है कि यही के ये साहब है। खैर, शहर को स्मार्ट तो बनाया जा रहा है, पर स्मार्ट चेहरे पर भी कई दाग आपको यहां पर दिखाई देंगे। बेलगाम शहर का केला तालाब, इस पर पहले भी हमने रिपोर्ट बनाई है, यहाँ के म्यूजिक फाउंटेन के साथ मुल्क का सबसे बड़ा तिरंगा, जिसकी चर्चा भी काफी रही, अब इसकी क्या कैफियत है से भी जानते हैं। सिवाय खंबे के यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। लाखों रुपए खर्च कर गार्डन भी बनाया गया था, अब यहाँ किसी तरह की कोई देखभाल नहीं है। इसके बावजूद भी यहाँ दाखिल होने के लिए टिकट लिया जाता है, यानी कि टिकट के पैसे लिए जाते हैं। जब बेलगाम शहर के किसी भी गार्डन में टिकट नहीं लिया जाता तो आखिर किला तालाब में क्यों लिया जाता है? क्योंकि अंदर तो बोट में बैठने के लिए तो पैसे वैसे भी देने ही है, लेकिन दाखिले के लिए पैसे लिया जाए? अब जब पैसा लिया भी जा रहा तो किसी तरह की सफाई भी इसके काबिल यहां पर नजर नहीं आती। इसी तरह अशोकनगर का जिम, जिसकी इब्तता ही नहीं हुई, सालों से तैयार बना हुआ, यहाँ के इक्विपमेंट तो सालों से इस्तेमाल के बगैर जंग खा रहे हैं। टीवी सेंटर का फाउंटेन, जिसकी कीमत लाखों रुपए है, एक दिन भी इसको चलाया नहीं गया। श्रीनगर गार्डन के फाउंटेन की तो हालत आप खुद देख सकते हैं, मतलब ये तमाम रुपए किसके थे जो इन्हें यूं ही बर्बाद कर दिया गया? महज ठेकेदार का तराना अलापने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ठेकेदार बरसों तक नहीं मिल रहा, टैक्स आवाम से तो वसूला जाता है, घर पट्टी पानी पट्टी न भरने से कनेक्शन भी तो काट दिए जाते हैं, कार्रवाई की जाती है। आवाम का पैसा आखिर यूं बर्बाद करने का हक किसने दिया और उन अफसरान पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? सियासी रसूख इस्तेमाल कर उठने वाली हर आवाज को दबाया जाता है। हम करें सो कायदा की तरह ना सिर्फ बेलगाम बल्कि दिगर महकमात में भी मनमानी कारोबार चलाए जाते हैं। तेरी भी चुप मेरी भी चुप की तरह आवाम के रुपयों को अपने जेबों में ठोस लिया जाता है। कॉर्पोरेशन की जानिब से ब्लैक स्पॉट को तलाश कर गार्डन और खूबसूरत बनाया जाता रहा ताकि वहां सफाई बरकरार रहे। कॉर्पोरेशन के कुछ अफसरान ने शहर के कई जगहों पर सफाई अभियान भी इस तरह से चलाया, लेकिन जब ब्लैक स्पॉट को बेहतर बनाने की तहरीक पर रुपया खर्च हो रहा है तो इसकी देखभाल क्यों नहीं की जाती? महज कुछ तस्वीरें और खबरों में छाया करने के बाद इसकी तरफ देखने के लिए भी कॉर्पोरेशन के अफसरान के पास वक्त नहीं रहता। लिहाजा आखिर रिश्वतखोरी को कहीं तो लगाम लगाना जरूरी है। आवाम बेहाल है, अब आवाम को भी आदत पड़ी हुई है कि कुछ रुपये दे देकर काम चलाओ, क्योंकि तरतीब से यानी कि अगर बिना रिश्वत दिए आपका काम कहां होने वाला है? बिना रुपए दिए कोई काम तो बनता नहीं है। ऐसी ज़हनियत अब तकरीबन अवाम
की बन चुकी है। लिहाजा बेलगाम कॉरपोरेशन में बढ़ती रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने की जरूरत है। क्या वाकई इस पर संजीदगी से गौर फिक्र होता रहेगा या फिर अब रिश्वतखोरी भी तहजीब का एक हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि वैसे भी कमीशन राज हर जगह पर फल फूल रहा है। यकीन मानिए, रिश्वतखोरी वो दीमक है जिससे माशरा खत्म हो जाता है, क्योंकि गरीब रिश्वत अदा करने से कासिर रहता है। लिहाजा गरीब का हक मारकर कोई अमीर भी सुकून की जिंदगी नहीं जी सकता। ये कुदरत का उसूल है जिस पर हम सभी को गौर करने की जरूरत है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Thank you.